इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वेन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधु डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन, श्री राजेश जैन डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, श्री अजय जैन नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज, रिद्धि, नीरज, अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विस्मय जैसा होता है। यहाँ पर छात्राएं देश के कोने कोने से आई हैं और अपनी अपनी भाषाओं को उन्होंने देखी होगी, पढ़ी होगी और बोलती होगी, किंतु उन सबके मुख से हिंदी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है यह शिक्षा का परिणाम है अथवा एक संकल्प का ही नमूना है। संकल्प जैसा किया जाता है वैसा हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और क्या, जब यहाँ पर ये नारी जगत जो कि आदिवासी इलाका में रहते हैं, किंतु इनके मुख से जब शुद्ध हिंदी का भावाभिव्यक्ति को सुन करके देख करके ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं वह सब कुछ हम कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी वह उदाहरण बन सकता है। पुरुषार्थ की दृष्टि से इन लोगों के पुरुषार्थ जो सुने उन्हीं के मुख से औरों के मुख से भी संकल्प शक्ति जैसी होती है वैसा ही जीवन बनाया जा सकता है। हम बनी बनी रसोई खा करके बनाने को ही भूल गए। अब होटल जाओ और वहाँ से थाली लेकर के आओ और थाली में क्या है तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए इन लोगों ने जो यहाँ पर हथकरघा के निमित्त से अपने जीवन को जो साहस करके व्रतों को नियमों को पालन करने का संकल्प लिया, इसको देख करके ऐसा लगता है आप लोगों को बिना सोचे ही ये सब कार्य करना चाहिए।
बिना पूछे ही करना चाहिए और बहुत सोचना भी ठीक नहीं लगता। इन लोगों के एक ही बार में संकल्प इस प्रकार हो सकता है तो आप लोगों के लिए पहले से ही ऐसा वातावरण मिला है। औरों को भी तैयार करने का यह महत्व संकल्प बहुत अच्छा लगता है। ये स्वयं तो अपने पैरों पर खड़े हो गए और दूसरों को भी इस ओर लाने का यह और प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं सात्विक जीवन को जिन्होंने संकल्प पूर्वक अपनाया है वह ये आदिवासी नहीं किंतु आदिनाथ भगवान के ये परंपरा वाले हैं। जब आज इसी दिन हिंदी दिवस भी आप लोग मना रहे हैं, हमने तो अपने जीवन को ही हिंदी भाषा में बना लिया क्योंकि गुरु जी ने मुझे जो कोई भी बोली बाकी सिखाए या वो स्वयं बोलते थे वह हिंदी मिश्रित एक प्रकार से मारवाड़ी भाषा थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़ी भाषा के शब्दों को गौण करते हुए हमारे ऊपर ऐसा बड़ा उपकार किया कि हिंदी के माध्यम से पढ़ाए और संस्कृत को भी अपने ढंग से सारे तमाम साहित्य का अवलोकन कराया। यह केवल वृद्धावस्था में भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। जवान लोग सोचते ज़्यादा सोते ज़्यादा हैं किंतु उस सोच को एक मूर्त रूप देने का जो संकल्प होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी इन लोगों से ये तो प्राप्त हुआ कि आप लोगों को भी ये लोग कितने शुद्ध और अपने संकोच के साथ ये कभी बोलने वाले नहीं किंतु संकल्प ऐसे ऐसे इन लोगों के होते हैं जो दुनिया में क्या हो रहा है कोई पता नहीं किंतु संकल्प को पूर्ण करने का इनका रात दिन यह पुरुषार्थ चलता है। मोक्ष मार्ग में सोने को महत्व नहीं दिया किंतु सोने का नाम भी रखा है। एक दिन में एक बार शयन करना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है, किंतु जागृत रहना यह हमारे लिए इसलिए आवश्यक है थोड़ा सा सहन करके फिर उससे पुनः स्फूर्ति पा करके मन को और तन को और वचनों को शुद्ध बनाए रखने के लिए शयन भी अपेक्षित है। लेकिन शयन की अधिकता नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ की अधिकता हमेशा हमेशा होना चाहिए। देखो यह वर्षा भी आपके लिए परीक्षा दे रही है। इतने जोर से ध्वनि आवाज होते हुए भी आप लगन के साथ निष्ठा के साथ श्रवण कर रहे हैं इसलिए उससे कई गुना आगे पहुंच गए हैं। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं पुरुषार्थ और संकल्प के माध्यम से। हिंदी के विषय में ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन
यह वह भाषा है जो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, और अपभ्रंश जो है वह एक प्रकार से प्राकृत से उत्पन्न हुई है, और प्राकृत भाषा जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं वह सभी तीर्थंकरों के मुख से उत्पन्न हुई है। ऐसा यह आप एक दिवस का संकल्प नहीं, केवल याद करने के लिए नहीं, किंतु एक बार सोचा है कि 12 या 13 प्रांत ऐसे हैं जिनमें हिंदी भाषा चलती है, और ये ध्यान रहे इन 12 प्रांतों की जनसंख्या को यदि सामने ला करके रखते हैं तो भारत के आधी नहीं, आधी से भी आज ज़्यादा संख्या में हिंदी बोलने वालों की संख्या हो जाती है। किसी से आग्रह नहीं करना, किंतु निवेदन तो किया जा सकता है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर यह हमेशा हमेशा कहा गया है, यह एक साधु संतों की भूमि है जिन पर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के माध्यम से इस संसार को सिद्ध शुद्ध बनने का उपदेश दिया है। जब हमने 8-10 वर्ष पूर्व में छोटी सी पुस्तिका पढ़ी, उसमें राष्ट्रपति भारत के उनके जीवन और उन्हीं के शब्दों में कुछ पंक्तियाँ सुनी पड़ी, उसमें उन्होंने ये कहा था, मेरी जो भाषा मातृभाषा थी वह दक्षिण की थी, दक्षिण में कर्नाटक भाषा भी है लेकिन उससे भी दक्षिण की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी भाषा केरल की भाषा मलयालम भाषा आदि आदि होती हैं। उन भाषाओं में उन्होंने प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक उसी के द्वारा काम चलाया है, और आपको अपने बच्चों के लिए जन्म होते ही उसको क्या सुना रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने सुना व्यंगात्मक यह शब्द हो गया था, हो गया होगा, तो उसी समय हमने सोचा है ये क्या दिवस क्या है, तो उत्तम प्रभात है। इसमें भारत हमेशा हमेशा जी रहा है, प्रभात हमेशा हमेशा हमें आलोक प्रदान करता है, और सूर्य के प्रताप और सूर्य के उपकार की ओर देखता है। सबको जगाने के लिए जैसे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को शिक्षक लोग जगाते हैं, उसी प्रकार यह आलोक धाम सूर्य हमें प्रमाद से उठा करके अलौकिक जगत में ले जाता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं, यह एक बहुत बड़ा उसका स्वभाव है। आप रुक जाते, विश्राम लेते, ये करते, किंतु वह अंतिम समय तक जब तक दिन डूबता नहीं तब तक वह अपना कार्य कर्तव्य करता रहता है, और उसके कर्तव्य के अभाव में संसार एक प्रकार से शून्य हो जाता है।
यहाँ पर उस आलोक का सद्भाव होने से हमें स्फूर्ति मिलती है और अच्छे विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। फिर बाद में एक बहुत अच्छी बात है, वे कहने के लिए मुसलमान थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन में मांस का सेवन कभी भी नहीं किया। उनका नाम अब्दुल कलाम, हाँ, और वे विश्व में अपने नाम कमाए बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिकों में एक वो भी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक दो दिन ऐसे भी हुए हैं तो वो और कोई उनको भोजन नहीं मिला तो केवल सेव फल और टमाटर के माध्यम से अंतों जो शाम का भोजन उन्होंने पूर्ण किया। पूछा गया कि क्यों ये सब चीज़ें मिलते हैं, ये चीज़ें मिलते तो हैं लेकिन ईश्वर ने हमें, यह तो प्रकृति है, इस प्रकृति में आरोग्य के केंद्र है ये, और इनमें से जो हम छांट करके लेंगे भोजन, वहाँ अमृत तुल्य है, उसी का सेवन करता था। और एक बात बहुत अच्छी कही, जब वो राष्ट्रपति घोषित हुए उस समय प्रथम उनका उद्बोधन हुआ भारतीय के लिए, तो उन्होंने ये कहा, भारत को अब भूल जाना चाहिए, भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं है किंतु भारत तो विकसित देशों में आ जाता है, दूसरे के साथ तुलना करने से देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। अपने योग्य जीवन सामग्री को उत्पादन करके जिनको उपलब्ध नहीं हो रहा उनके लिए भी भेजने का उपक्रम करने वाला ये भारत आज भी विकसित है, पहला भी विकसित था और जब तक रहेगा तब तक वह विकसित ही रहेगा। वह कभी भी सो नहीं सकता अथवा आलसी नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा, इस देश के लिए यदि आप अपने सत्संतान, अपने संतान को जो अपने काम पुरुषार्थ के माध्यम से जगाया है, पाया है, उनको किस में लगाना, तो उनका ये कहना कि सबसे उत्तम प्रतिभा वाला ही पुत्र को हमेशा हमेशा राष्ट्र के सेवा के लिए प्रदान कर देना चाहिए, उसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं होता। ऐसे बात कर करके फिर इसके उपरांत उनका जीवन के और भी कुछ पहलू थी, उसके बारे में पढ़ा देखा कि वह मुसलमान होकर के भी इस प्रकार के सात्विक क्यों रखा विचार, तो जैसे घर में मिलता है माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, वो उसी प्रकार ढलता चला जाता है। आप लोगों को चाहिए कि भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग पीछे हो गए थे या अन्यत्र भटक गए थे। अभी सुनते ही एक हफ्ते के पूर्व में बहुत बार नहीं, 250 वर्ष से इंडिया के नाम से आप लोग परिचित हो रहे थे,
अब वह आंखें खुल गई और सब लोगों ने अपने मुख से उसको क्या कहा, भारत। इससे स्पष्ट है भारत एक प्रकार से आज का नहीं बहुत दिन प्राचीन काल से आया हुआ देश है। बीच में इस प्रकार के संस्कार के कारण, देशों के कारण वह प्रभावित हुआ और अपने आप को भूल गया। तो वहाँ पर सर्वप्रथम प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस प्रकार जो दिखा हुआ सामने मिला तो लगा कि अब जो है भारत इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही यह घोषणा हो गई। इसके बाद सुनते हैं प्रधानमंत्री का भी नाम इसी प्रकार सुनने में आया था। हमने तो सुना, हमने सुना आप ही लोगों के मुख से। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों देश के कर्णधार माने जाते हैं, संरक्षक। और आगे के बढ़ने के लिए सभी प्रकार से सोच विचार करते हैं और ऐसे भारत को कब से देख रहे हैं तो प्राचीन काल से जो साहित्य मिलता है हमें उसको पढ़ने से ऐसा लगता है भारत कैसा था। अरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व का भारत, पश्चिम का भारत और मध्य भारत। मध्य भारत भी है क्या? नहीं है। इस प्रकार भारत किसी एक कोने में नहीं था, किंतु वह भारत पूरे के पूरे व्याप करके बहुत दिन से आया है। महाराज इस प्रकार यदि भारत को पुनर्जीवित करना है अथवा भूल करके जो दूसरे देश के नाम को इस भारत के लिए रखा गया था ये भूल थी। किसकी थी? यह अपने असाता का उदय समझ लो, इसलिए ऐसा हुआ है कि आर्यखंड के रूप में यह भारत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सात्विक जीव रहने वाले, अन्य किसी देश के बारे में हम नहीं सुनते, किंतु यहाँ पर वे तीर्थंकर, वे भगवान, वे महापुरुष होते आए हैं और होते ही रहेंगे। बीच में भले थोड़े बहुत ऐसा युग भी आ सकता है, उसमें भी यही एकमात्र सिद्धांत चलता है। यहाँ पर बहुतों ने अपने जीवन को समर्पित करके विषय और कषायन से दूर रह करके ऐसे जीवन जिए हैं, उसके लिए ये कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भारत बसा। सुन रहे हो ना? भारत बसा उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा।
तीन चार दिन हुए थे, हमने सोचा भैया हिंदी दिवस आ रहा है, उसी दिन से इसको कहा जाए, इसलिए और किसी के सामने नहीं कहा, आज सबके सामने कह दिया। एक बार और, भारत बसा उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा, योग से प्रधानमंत्री का जीवन शुरुआत से ही वह अकेले रहे और बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ा और आज वे इस भारत के लिए अपना घर नहीं बसाया, अपना घर नहीं बसाया। हाँ, घर नहीं बसाया, लेकिन भारत को बसाने में उनका पहला नाम लिया कि प्रधानमंत्री कौन? भारत का। क्योंकि जो 150-250 वर्ष तक लगातार इंडिया 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 कहा जाता था, अब यहाँ मुख से भी नहीं कहा जाएगा, वो हमेशा के लिए भारत कहा जाएगा। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किए, उनके माँ ने कैसा संस्कार उनके ऊपर दिया होगा, वह अपनी बात नहीं करता किंतु भारत की बात करता है, और उसमें जो कमियाँ हैं उसके लिए भी। उसी प्रकार उनका एक और नारा है, नारा क्या? वो तो वस्तु स्थिति है, धीरे धीरे कार्य होते हैं, कि अखंड भारत की बात करते हैं वो। भारत को अखंड रखना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी है वो सब भारत का वासी है, इसलिए उसके हित के बारे में, शांति के बारे में हमेशा हमेशा सोचा जाता है, किंतु वह लोग सामने नहीं आते, किंतु सामने नहीं आते हुए भी उनके द्वारा जो परिश्रम है किया जाता है, वह प्रकाश में आए बिना रह नहीं सकता। कुछ लोग प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं, किंतु प्रकाशित करने में रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि देश के लिए नहीं, विश्व के लिए एक प्रकार से आदर्श हो जाते हैं। यही कहना था, आप लोगों ने सुना। चूँकि हम कक्षा लगाने वाले थे, किंतु आज मैंने देश दिवस भी आया है, और ये लोग जो संकल्प के साथ जो हथकरघा का काम कर रहे हैं, इनकी बात को भी सुनना था, तो हमने सुन लिया और उनकी बात पहले से सुन ली। अब ये ध्यान रखो, भारत को भूलना नहीं चाहिए। जो कलाम साहब ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाषा देसी भाषा ही होना चाहिए। उसमें एक और उदाहरण देकर के पूर्ण करता हूँ। ऐसा ही जैसे कलाम साहब है, वह भी एक व्यक्ति जिन्होंने परिश्रम करके वैज्ञानिक दशा को प्राप्त कर ली। जो वैज्ञानिक होता है वह अध्ययन नहीं करता, किंतु शोध प्रबंध भी करता है, और पुरानी चीज नहीं, भूली हुई चीज अथवा छुपी हुई चीज को भी बाहर लाने का प्रयास करता। उन्होंने
अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। आदि से लेकर के अंत तक जो पढ़ने योग्य थे पाठ्यक्रम में रखे गए थे उनको वाल्मीकि के साथ पढ़ा लिखा, दूसरे को पढ़ाया, सब कुछ किया और अंत में उनको जो एक प्रकार से भूगोल नहीं किंतु वह भी आसमान में होने वाले चीज़ें उनके बारे में भी उन्होंने गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ। उनके मुख से वो ये वाक्य निकला है, जो ही इसको पढ़ने में आया मुझे, वाह ऐसा भी होता है, मुझे वैज्ञानिक बनाया गया अथवा मैं बन गया, यह अलग वस्तु है, किंतु मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ते हुए भी इंग्लिश नहीं जानता और आप इंग्लिश पढ़ने के पीछे लगे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, नहीं इंग्लिश आती है आपको शुद्ध और न ही हिंदी आती है शुद्ध, इसलिए आप लोगों से बचना मैं चाहूँगा। अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो, क्या अपने पास कोई भाषा नहीं है क्या? तो यदि भाषा है तो उनको भी इंग्लिश की ओर जाना चाहिए था कलाम साहब को, नहीं मैंने ये हिंदी भाषा या राष्ट्रभाषा को पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सब कुछ किया, किंतु उस समय जब मैं पढ़ा उस समय लगा कि नहीं इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, आग्रह नहीं था उनका भी, किंतु इस प्रकार चल पड़ा तो आज भी ऐसे वैज्ञानिक हो सकते होते हैं जो बिना इंग्लिश के भी है, ये कैसा हुआ मैं बताओ? इसलिए हुआ कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। माँ के मुख से भाषा निकलती क्या संकेत निकलता बताओ? हाँ तो संकेत निकलता, इसलिए अतिमात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। क्या हुआ? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता, इसलिए मात्रा मासी हो। मात्रा जो है माँ के समान होना चाहिए, बच्चे के आग्रह को वह कभी पढ़ती नहीं और सुनती नहीं, जो उसे खिलाना है और जितने मात्रा में खिलाना है उतनी ही खिलाती है, और जब खिलाना वो तभी खिलाती है कितने भी रोता रहे, कहता है क्या नहीं बच्चा अपने रो करो रो करके माँ को जगाना चाहता, और माँ और क्या करती है मुख पर पल्ला लेकर के सोने का बहाना कर देती है, ऐसे बच्चे को वह नहीं सुनाती नहीं खिलाती क्योंकि वह नाटक कर रहा है। इस नाटक को केवल माँ ही समझती है और किसी वश की बात नहीं है, पिताजी को तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे संस्कारों के कारण ही यहाँ पर भारत बसा हुआ है और यह आज सभी विश्व के सभी देश भारत की ओर निगाह से देख रहे हैं। कैसे निगाह से?
हम भी इनके मित्र बन जाए। लेकिन ये ध्यान रखो, भारत अपनी दृष्टि से उस ओर बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है, और साथ जो होना चाहता है उसको भी साथ लेकर के बढ़। कई विभूतियाँ यहाँ पर हुई हैं, उन्होंने अपने इस जीवन को समर्पित करके आप लोगों को पुनः भारत की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। अब आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार संस्कार डाल देना चाहिए जिसके द्वारा आगामी काल में आने वाली युग को भी भारतीय संस्कार के परिचय हो सके। इसलिए यह एक दिवस नहीं किंतु जीवन के शेष जितने भी जीवन हैं उन सब को भारत के लिए इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि भारत में ही तीर्थंकरों का, बड़े महापुरुषों का और आगे जन्म होने वाला है और हम इसी की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी जल्दी उनका दर्शन हमें उपलब्ध हो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्लविका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन, श्री राजेश जैन डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, श्री अजय जैन नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज, रिद्धि, नीरज, अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।